हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो इससे रिलेटेड हम लोगों ने लास्ट में जो एक वीडियो डाला था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, उसका एक पार्ट अपलोड किया था मैंने, तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बचा है या कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग आज देखेंगे। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के अन्य डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला बना लिया था, ठीक है। कुछ फंक्शन जो हमने बताए थे है ना, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, तो सबसे पहले इसमें हमारा था ए एक्स प्लस बी टू पावर एम, है ना, इसके लिए हम लोगों ने एन डेरिवेटिव को फॉर्मूला बना लिया था। इसके बाद हमारा था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे, है ना, एक्सपोनेंशियल था, फिर लॉगरिथमिक था, लॉग पे हम लोगों ने बना लिया था। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोगों ने साइन और कॉस पे बना लिया था, और एक प्रोडक्ट भी हमने देखा था जिसका एन डेरिवेटिव फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, e टू पावर ए एक्स साइन या फिर e टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी लाइक दिस, है ना, इस तरीके। तो इन पे सब पे जो एन डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो हम लोगों ने बना लिया था। अब यहाँ पे ये एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट था जिसका एन डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया। अब अगर इन केस ऐसा होता है कि हमें जो प्रोडक्ट है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे करके कोई भी जनरल दो फंक्शन दे दिए जाए जिनका प्रोडक्ट दिया जाए, और फिर हमसे कहा जाए कि उस प्रोडक्ट का एन डेरिवेटिव फाइंड करो, हमसे क्या कहा जाए कि उस प्रोडक्ट का एन डेरिवेटिव फाइंड करो एक्सेप्ट इन द फॉर्म e टू पावर ए एक्स साइन ए बी एक्स प्लस सी या फिर e टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी, तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, लेबनीज ने एक थ्योरम दी, हम उस लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, और उसका यूज करके हम लोग किन्हीं दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का एन डेरिवेटिव ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है लेबनीज थ्योरम। एल ई आई बी लेबनीज थ्योरम, ठीक है। तो लेबनीज थ्योरम क्या कहती है, लेबनीज थ्योरम कहती है, स्पेलिंग प्रतीक लिख दूं, एल ई आई लेबनीज, लेबनीज थ्योरम कहती है कि लेट यू एंड वी बी एनी टू फंक्शंस ऑफ एक्स, है ना, ये किस तरीके के फंक्शंस हैं, x के फंक्शन, ठीक है, बी एनी टू फंक्शंस ऑफ x एंड हैविंग nth डेरिवेटिव एंड हैविंग nth डेरिवेटिव, u और v कोई दो फंक्शन है हमारे पास x के, और इस तरीके के फंक्शंस हैं कि हम उनका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ओके। देन nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट, nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट मतलब u और v का प्रोडक्ट कराएं और इसका nth डेरिवेटिव अगर ऑब्टेन करें, सो इट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला nc0, ओके, एंड nth डेरिवेटिव ऑफ u इनटू v प्लस nc1 n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc2, नाउ दिस टाइम n माइनस टू एथ डेरिवेटिव ऑफ u एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v, सो ड्यू टू v प्लस एंड सो ऑन, इन लास्ट टर्म विल बी ncn, मतलब u को हम एज इट इज रखेंगे और nth डेरिवेटिव निकालेंगे v, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर किसी भी दो फंक्शंस के nth डेरिवेटिव का प्रोडक्ट अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव के प्रोडक्ट के लिए हमारे पास दो केस हैं, एक तो ये है कि u v फंक्शन हो x के जिनका nth डेरिवेटिव हम लोग ऑब्टेन कर पा रहे हो, और दूसरा ये है कि अगर हमारे पास d टू पावर n और e टू पावर ax इनटू sin bx plus c, अगर ये दो फॉर्म में फंक्शन हमें गिवन है तो ये हम उनका nth डेरिवेटिव इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा फॉर्म बनता है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ डिस्कशन, अभी हम इसके बारे में कोई एज अ रिजल्ट नहीं कह सकते हैं, बट वो भी ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा, ये कह सकते होगा, है ना, वो पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चन,
चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम का यूज करेंगे है ना, और क्वेश्चंस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, इस थ्योरम के अगर हम प्रूफ की बात करें, तो इसका जो प्रूफ है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग इसको कर सकते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है कि हम इसको पहले वन के लिए ट्रू दिखाएंगे है ना। अगर हम इस पूरे को स्टेटमेंट मान लें पी एन है ना, पी एन इज इक्वल टू ये पूरा स्टेटमेंट अगर हम मान लें, तो पी वन इज ट्रू। पी वन इज ट्रू का मतलब है कि एन इज इक्वल टू अगर हम वन ले लें ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए अगर हम इसको देखें तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि पी के इज ट्रू है ना, पी के मतलब फॉर एनी के है ना ग्रेटर देन वन, हम मान लेंगे कि ये ट्रू है। और इस रिजल्ट को ट्रू मान के हम ये शो कर पाए कि पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू है, पी ऑफ के वन भी ट्रू है, तो हम कह देंगे कि ये थ्योरम जो है वो ट्रू है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेबनीज थ्योरम, और जो हम लोगों ने पिछले जो कुछ क्वेश्चंस की पिछले जो हम लोगों ने डेरिवेटिव फॉर्मूला निकाले हैं उन पे बेस्ड किस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके क्वेश्चंस जो है हम लोगों को आने चाहिए। जो हम लोगों ने पिछले जो हम लोग एनए डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूलाज डिस्कस किए पिछले वीडियो में उन पे बेस्ड अगर मैं बहुत बात करूं, तो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप से बनता है कि जिसमें हमें क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन करके हमें इसको सेपरेटली 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में बनाना होगा और एनए डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना होगा। एक दूसरा फॉर्म जो बनता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। मोस्टली क्वेश्चंस में इस तरीके से होगा कि साइन हमें दिया जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा है ना, कॉस एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम क्या करेंगे, तो जब ये वाला फंक्शन होगा तो इसको हम बनाएंगे वन अपॉन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, क्योंकि वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला हमारे पास है। जब ये वाला फॉर्म होगा तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे कन्वर्ट कर पाए कॉस ए एक्स प्लस बी में या फिर साइन ए एक्स प्लस बी में, क्योंकि इन दोनों के लिए हमारे पास एन डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें थर्ड और ऑप्शन आ जाता है ई टू पावर ए एक्स, और इसी के साथ आ जाएगा कॉस है ना, कॉस फोर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लाइक दिस, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक, तो ये वाला जब फॉर्म हमको मिलेगा तो हम क्या करेंगे, किसको कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे कि ये e टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी बन जाए और प्लस ये बन जाए हमारा e टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, नॉट प्लस और है ना, इनमें से किसी एक फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे इस फॉर्म में बन जाएगा तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमको पता है और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी तीनों क्वेश्चन जरा हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा वन अपॉन इसको लिख कर लेते हैं y is equal to x square plus a square हमको गिवन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x square minus ओके और आयोटा ए स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं x square minus आयोटा ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, सो ये अगेन प्लस बन जाएगा। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, इट विल बी x माइनस आयोटा ए एंड x प्लस आयोटा ए, x माइनस आयोटा ए एंड x प्लस आयोटा ए बन गया हमारा। अब क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके दोनों पार्ट को सेपरेट करना है, तो ये बेसिकली हमारा बन जाएगा वन अपॉन x माइनस आयोटा ए माइनस वन अपॉन x प्लस आयोटा ए। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आयोटा a आएगा, उसको हम यहां पे लिख लेते हैं, 2 आयोटा a हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमारा पर ये जो बन गया हमारा क्या बन गया, ये y is equal to बन गया हमारा। ठीक है, अब हमें निकालना है yn, हमें क्या निकालना है yn, तो 1 upon 2 आयोटा a तो हो गया कांस्टेंट। ठीक, हम क्या करेंगे, yn का मतलब nth डेरिवेटिव, तो nth डेरिवेटिव के लिए हम यहां पे dn upon dxn लिख ले रहे हैं और लिख ले रहे हैं वन अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए, माइनस सेम चीज यहां पे भी डी एन अपॉन
डी एक्स एन और वन अपॉन हो गया x प्लस आयोटा ए। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये वन अपॉन ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास, और वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का एन डेरिवेटिव था वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। वन अपॉन ए एक्स प्लस बी अगर हमको गिवन है और हमें क्या निकालना है इसका, डी एन अपॉन डी एक्स एन, तो ये हम पहले से हमें पता है कि माइनस वन टू पावर एन एन फैक्टोरियल ए टू पावर एन अपॉन ए एक्स प्लस बी टू पावर एन प्लस वन होता है। ठीक है, हमने ये लास्ट वीडियो जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम लोगों ने ये थ्योरम्स ये फॉर्मूलाज प्रूफ किए हैं कि डी एन अपॉन डी एक्स एन वन अपॉन ए एक्स प्लस बी होगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू माइनस वन टू पावर एन एन फैक्टोरियल ए टू पावर एन अपॉन ए एक्स प्लस बी टू पावर एन प्लस वन। ओके, अब इस फॉर्मूले का हमें बस क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है, अगर इसको कंपेयर करा ले तो हमारा ए की वैल्यू वन है और बी हमारा माइनस आयोटा ए है। बस क्या करना है, कंपेयर करा के सीधे इस फॉर्मूले से वैल्यू रखनी है। अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज इसको मैं ऐसे लीव कर देंगे, तो ये हमारा इसका एन डेरिवेटिव आ गया। ठीक, कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हो सकती हैं जिसमें वो कह देंगे कि तुम्हें इस फॉर्मूले के लिए मतलब हमें अगर y इक्वल टू ए गिवन है तो प्रूफ करो, है ना, तो प्रूफ करने के लिए स्पेशल कंडीशन रिक्वायरमेंट होंगी वो हम यूज कर लेंगे, तो हम उस तरीके से इसको प्रूफ कर लेंगे। तो बेसिकली अगर हम बेसिक अगर इसका एन डेरिवेटिव देखें तो हम इस तरीके से कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड देखते हैं कैसे बनाएंगे। जब भी हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला फॉर्म मिलेगा, है ना, या पावर हमें मिलेगी ग्रेटर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन कॉस के लिए, तो हम सीधे कॉस टू एक्स के फॉर्मूले यूज करेंगे। कॉस टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन और दूसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम पहले वाले फॉर्मूले से देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आती है वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू, और दूसरा वाले फॉर्मूले से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आती है वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन दो फॉर्मूलाज का यूज करने जा रहे हैं किसके लिए, अपने पावर वाले फंक्शन को कन्वर्ट करने के। तो अगर हम पहले वाला फंक्शन देखें, यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू में पता है क्या होती है, वन माइनस, इसको हम लेट कर लेते हैं वाई इक्वल टू, तो ये वाई इक्वल टू हो गया हमारा वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ओके, और इनटू में आ गया कॉस एक्स। अब ये वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, हमने इसको बाहर कर लिया, मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया कॉस एक्स कॉस टू एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, ये तो हमारा कॉस एक्स बन गया कॉस ए एक्स प्लस बी फॉर्म में, है ना, इसके साथ हमें कोई टेंशन नहीं है। अब बचा हमारा ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के लिए हमें एक फॉर्मूला और पता है कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर टू कॉस ए कॉस बी दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहां पर देखो क्या है, टू से हम क्या करें मल्टीप्लाई डिवाइड करा ले, तो ये हो गया वन बाई टू कॉस एक्स माइनस वन बाई फोर ही हो जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी बन जाएगा कॉस ए प्लस बी मतलब थ्री एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस एक्स। ठीक है, फाइनली ये आ जाएगा वन बाई टू कॉस एक्स, वन बाई टू कॉस एक्स माइनस वन बाई फोर कॉस थ्री एक्स एंड माइनस वन बाई फोर कॉस एक्स। वन बाई टू कॉस एक्स से वन बाई फोर कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा वन बाई फोर कॉस एक्स माइनस वन बाई फोर कॉस थ्री एक्स। अब देखो ये वाला कॉस एक्स भी एक्स प्लस बी फॉर्म में बन गया और ये वाला भी ए एक्स प्लस बी फॉर्म में बन गया, दोनों के लिए हमें क्या पता है, हम सीधे यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि डी एन अपॉन डी एक्स एन कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ए टू पावर एन कॉस एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। ये सारे फॉर्मूलाज हमने पिछले वीडियो में प्रूव कर लिए हैं, अगर अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फर्स्ट करके एक वीडियो है जरूर देख ले, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज का प्रूफ देख सकते हैं। अब देखो इस फॉर्मूला का हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एन डेरिवेटिव निकल आएगा, तो यहाँ जो वाई है इसका एन डेरिवेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, थर्ड जो वाला पोर्शन है थोड़ा सा भी इसको हम लोग
कैसे बनाएंगे देखते हैं। थर्ड वाले में भी सेम चीज है, यहाँ पे भी देखिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हमको मिल रहा है, तो इसको मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू, ये वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू पावर ए एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। ठीक है, बस क्या करेंगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये बन जाएगा ई टू पावर ए एक्स इंटू वन बाई फोर, और ये आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स, कॉस स्क्वायर टू एक्स। ओके, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, ई टू पावर ए एक्स वन बाई फोर, या फिर से वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज कर देंगे यहां से, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस फोर एक्स बाई टू। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, जहां पे भी ई टू पावर ए एक्स के साथ में कॉस फोर एक्स आएगा वहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे ई टू पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का, जहां पे सिंपल सिर्फ ई टू पावर ए एक्स आएगा वहां हम लोग एक्सपोनेंशियल वाला यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग कि जो एन डेरिवेटिव है वो हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे पिछले कुछ वीडियो से। ठीक है, अब एक हम लोग क्वेश्चन और देख लेते हैं लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड, लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। ये हमको क्वेश्चन गिवन है, डिटरमाइन वाई एन जीरो वेयर वाई इज एक्सपोनेंशियल एम कॉस इनवर्स एक्स। वाई हमें गिवन है ई टू पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, इसके लिए वाई एन जीरो निकालना है, मतलब एन डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले हमें इसका एन डेरिवेटिव चाहिए, तो यहां से देखो इस तरीके का तो कोई फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ नहीं रखा है, e टू पावर m cos इनवर्स x हो और एन डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड कर लें। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम इसका रिजल्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब y1। ओके, तो एक्सपोनेंशियल का जब डेरिवेटिव होगा तो यही आ जाएगा m cos इनवर्स x, फिर जब m cos इनवर्स का डेरिवेटिव होगा तो इट इज माइनस m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू y1 और ये आ जाएगा माइनस m एंड एक्सपोनेंशियल m cos इनवर्स x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम लोग सेकेंड लेट कर लेते हैं, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड रूल लग जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स, सेकेंड को हमने एज इट इज रख लिया, प्लस फर्स्ट को हमने एज इट इज रखा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड का डेरिवेटिव निकाला ये आ गया बाई टू। राइट हैंड साइड पे इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये माइनस एम हो गया और इसका फिर से आ जाएगा e टू पावर m cos इनवर्स x एंड माइनस m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, फिर से अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस x y1, हम रूट 1 माइनस x स्क्वायर से पूरे मल्टीप्लाई करा रहे हैं एंड प्लस ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर y2 और ये हो गया माइनस एम माइनस एम स्क्वायर और ई टू पावर एम कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू है वाई, तो इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर वाई। तो फाइनली ये इक्वेशन इस तरीके से आएगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की, इसको मान लें इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस इक्वेशन को nth टाइम डिफरेंशिएट करने वाले हैं यूजिंग द लेबनीज थ्योरम। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं,
देखो हम इस इक्वेशन में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसको यहाँ पे डी टू पावर एन यूज करने वाले हैं पूरी इक्वेशन में यहां से लेकर के यहां तक। अब ये वाला पार्ट है, ये जब इस पार्ट में मैंने डेरिवेटिव करेंगे तो ये पार्ट हमारा दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसमें से एक फंक्शन हमारा है वन माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरा वाई टू है। तो हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक फंक्शन को यू लेट करना और किसी एक फंक्शन को वी लेट करना है। तो हम वी वाला पार्ट ऐसे फंक्शन को लेट करते हैं जिसका डेरिवेटिव कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद जीरो होने लगे, और यू ऐसे फंक्शन को लेट करते हैं जिसका एन डेरिवेटिव हम ऑब्टेन कर पाए। तो यहां पे देखो इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर है, जब सेकंड की बात थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक। और इस वाले फंक्शन में क्या करेंगे, हम एक्स को वी मान लेंगे और इसको मान लेंगे यू, और यहां तो सिर्फ वाई है तो वाई का एन डेरिवेटिव सीधे सीधे वाई एन हो जाएगा। तो जब फर्स्ट पार्ट में हम लैबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा एन सी जीरो ठीक है, एंड डी एन ऑफ वाई टू मतलब डी एन ऑफ यू, और क्या करना है v को एज इट इज रखना है हमें, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे nc1 करेंगे, हमें क्या करना है u का डिफरेंशिएशन n माइनस वन टाइम dn माइनस वन वाई टू, और वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है v का, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का जब वन टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स। इसके बाद हमें क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन कर देना है n माइनस टू टाइम विद nc2, ये हो जाएगा डी एन माइनस टू वाई टू, और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बाद जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू का डिफरेंशिएशन जीरो आने लगेगा। इस वाले पार्ट में थे माइनस, ये हो गया एन सी जीरो ठीक है। किसका करेंगे, एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे वाई वन का, और वी को ऐसे रखेंगे मतलब एक्स को, फिर माइनस आ रहा है बिकॉज ये माइनस साइन यहाँ पहले से लगा हुआ था, इस वजह से ये एन सी वन हो गया, और ये आ जाएगा डी एन माइनस वन वाई वन, और एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे v का तो ये हो जाएगा वन एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या करना है हमें, सबकी वैल्यू हमको पता है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा वाई एन प्लस टू y2, यहाँ 2 टाइम्स पहले से डिफरेंशिएट हो चुका है, n टाइम और कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस टू, और nc0 1 होता है। अब हम इसकी बात करते हैं, यहां से आएगा nc1 n होता है dn माइनस वन, y2 का n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस वन, ठीक है, और यहां से y1 का जब n टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये भी हो जाएगा वाई एन प्लस वन। तो वाई एन प्लस वन वाला एक टर्म हमें यहां से मिलेगा और एक टर्म यहां से मिलेगा, ठीक है। इसके साथ माइनस टू एन एक्स है और इसके साथ सिर्फ वन है, तो हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, इसके साथ सिर्फ x है तो हमें कॉमन मिल जाएगा प्लस माइनस टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन, यहां से भी माइनस कॉमन हो गया यहां से भी, और ये आ गया x और y n प्लस वन। फिर हम इसकी बात करेंगे तो ये होता है n n माइनस वन बाई टू, एन सी टू हमारा होता है n n माइनस वन बाई टू, इस टू के साथ ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये एन स्क्वायर माइनस एन आएगा विद माइनस मल्टीपल, मतलब माइनस एन स्क्वायर प्लस एन आएगा, और एक माइनस एन यहां से आएगा, ये भी वाई एन मिलेगा, तो ये वाला एन जो होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा एन स्क्वायर, है ना। तो माइनस हम यहां से कॉमन कर ले अगर, तो ये हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और वाई एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फोर। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन हमारी है जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला है, थर्ड इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री में इक्वेशन है, और फोर्थ इक्वेशन जो है वो n प्लस टू एन डिग्री में है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वन बाई वन करके x इक्वल टू जीरो रखेंगे और वाई एन जीरो की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। तो अभी बाकी चीजें जरा यहां से रफ कर दे रहे हैं, सिर्फ इक्वेशन लिख के रखेंगे हम लोग। यहाँ पे है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहले हम वाई में जीरो रखेंगे, तो वाई में जब हम लोग जीरो रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी वाई जीरो की। यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो रख दे अगर हम, तो कॉस इनवर्स जीरो है ना, कॉस इनवर्स जीरो कब वैल्यू होगी, ये कॉस इनवर्स जीरो वैल्यू कब होगी, ये वैल्यू होगी ई टू पावर एम पाई बाई टू पे,
है ना, कॉस इनवर्स जीरो कब होता है, पाई बाई टू पे होगा, तो यह आ जाएगा ई टू पावर एन पाई बाई टू। फिर हम निकालते हैं वाई वन जीरो पे, मतलब y1 जो हमारा डेरिवेटिव है यानी y1 वाली जो इक्वेशन में इसमें x इक्वल टू 0 रख देते हैं। जब इसमें x इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो गया, 1 आ गया है ना, इधर से आ गया माइनस m एंड एक्सपोनेंशियल m पाई बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रख दें तो ये हो गया y2 0, ये पूरा 0 हो गया और ये m स्क्वायर y0, तो y2 0 इक्वल टू आ गया हमारा m स्क्वायर y0 हमारा कितना है e टू पावर m पाई बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इसमें रखते हैं x इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगा हमें y n प्लस 2 है ना, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पे, ये पूरा टर्म खत्म हो गया तो ये हमें मिल जाएगा y n प्लस 2 इक्वल टू n स्क्वायर m स्क्वायर y n 0। ये जीरो लिखने का मतलब ये है कि इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। अब इन सारी इक्वेशन का काम खत्म हो गया, इन सारी इक्वेशंस को हम रफ कर देते हैं, चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे y n 0 निकाल सकते हैं। अगर हम ये देखें y 0 y 1 0 y 2 0, तो अभी इसको देख के हमें ना किसी भी पैटर्न, कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है किसके बेस पे हम y n 0 की वैल्यू लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और टर्म्स की वैल्यू निकालते हैं, मतलब y3 0 निकाले, y4 0 निकाले, तो y3 y4 निकालने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। यहां से अगर हम y3 0 निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह 1 रखना पड़ेगा, जब n की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और यहां आएगा y1 0, y1 0 की वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस m एंड e टू पावर m पाई बाई 2। चलिए y3 0 आ गया, y4 0 निकाल लेते हैं, y4 0 निकालने के लिए हमें n इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और ये हो गया y2 0, और y2 0 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और e टू पावर m पाई बाई 2। दो और टर्म निकाल लेते हैं, वाई फाई जीरो निकालते हैं, वाई फाई जीरो के अंदर रखेंगे n इज इक्वल टू 3 यहां पे, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और ये हो गया वाई थ्री जीरो। वाई थ्री जीरो भी हम लोगों ने क्या निकाला, ये आ जाएगा माइनस m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड e टू पावर m पाई बाई 2। एक वाई सिक्स और निकाल लेते हैं तो हमें पैटर्न समझ में आने लगेगा क्या निकल रहा। y6 निकालने के लिए n इक्वल टू 4 यहां रख लें, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y4 0, y4 0 हम यहां से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और e टू पावर m पाई बाई 2। अब जरा देखो पैटर्न समझ में आ रहा है, ऑड के लिए सीरीज डिफरेंट तरीके से चल रही है और इवन के लिए डिफरेंट तरीके से चल रही। तो अगर हम yn की वैल्यू लिखना चाहें at x is equal to 0, तो ये दो टर्म्स में लिखी जाएगी, पहला तो ऑड के लिए, ऑड के लिए हमारी सीरीज कैसे चल रही, माइनस m आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ रहा है, 2 स्क्वायर प्लस m 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और ये कहां जाएगा, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर तक जाएगा और e टू पावर क्या आ जाएगा, m पाई बाई 2। जब कब आएगा ये, जब n हमारा ऑड है, ये कब आएगा, When n is odd, for n odd, है ना? दूसरी सीरीज हमारी है m square, 2 square plus m square, 4 square plus m square, और ये भी सीरीज ऐसे चलेगी कहां तक, n square plus m square तक, और इसके साथ में रहेगा e to power m pi by 2, है ना? और ये कब है, जब n हमारा even है, for n even। इस तरीके से हम y n 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो y n 0 की वैल्यू है, डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे है, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए सेम प्रोसीजर ही यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y1 निकालेंगे, फिर एक y2 निकाल के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, n टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे यूजिंग लेबनीज थ्योरम।
जैसे हमारा n प्लस टू है तो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे 1 बाई 1 करके x इक्वल टू 0 रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले y 0, फिर y 1 0, फिर y 2 0, और ये एक रिलेशन मिल जाएगा। इस रिलेशन को यूज करके हम क्या करेंगे y 3, y 4, y 5, y 6 तक निकालेंगे, तो हमें एक पैटर्न दिखने लगेगा। फिर उस पैटर्न को फॉलो करके हम yn 0 के लिए फॉर्मूला बना देंगे। ओके, तो इस तरीके से लैबनीज थ्योरम से रिलेटेड या एनर डेरिवेटिव से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स करो, और ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा उन सारी प्रॉब्लम्स को करने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनके साथ शेयर करें, जो भी जिनको भी नीड हो इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। ओके, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।